Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। जैसा कि मैं पहले आपको फ्रैक्शन की वीडियो एक प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें आपने फ्रैक्शन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थमेटिक को स्टार्ट करने से पहले वो फ्रैक्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम उसी के ज़रिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन मैंने बताया था, दोनों सेम चीज़ें हैं। कंपैरिजन में, डिस्ट्रीब्यूशन में इनका प्रयोग किया जाता है। कंपैरिजन के केस में जब किन्हीं भी वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, एक व्यक्ति की आय का दूसरी व्यक्ति की आय से, ऐसे करके जो कंपैरिजन किया जाता है वहाँ इसका यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी एक वैल्यू को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट जब उसके भाग किए जाते हैं तो वहाँ पर हम परसेंटेज का और इसका फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था उसके बाद परसेंटेज में जो क्वेश्चन हमसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आज बारी बारी से टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम परसेंटेज का एक बेसिक सा टाइप उठाएंगे, बेसिक से टाइप को आप समझेंगे। दो लैंग्वेज हैं इसमें और दो लैंग्वेज बहुत आसान है, उन पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एसएससी में, तो उसको समझेंगे आप। तो देखो पहली लैंग्वेज क्या है, पहली लैंग्वेज पर आपको दिख रही होगी, पहली लैंग्वेज यहाँ पर दिख रही होगी एक्स का वाई प्रतिशत मान क्या होगा। Find y percent of x, x का y प्रतिशत मान क्या होगा। जब ऐसी लैंग्वेज परसेंटेज में हमसे पूछी जाएगी तो इस प्रकार की लैंग्वेज को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो x का y प्रतिशत जब कभी भी हमसे निकालने के लिए पूछा जाएगा, ये आज की क्लास का पहला कंसेप्ट है। तो x का y परसेंट हमसे निकालने के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई और बटे 100, x मल्टीप्लाई वाई बटे 100। x का y प्रतिशत मान अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे, x मल्टीप्लाई वाई बटे 100। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये तो हमारी समझ में आ गया कि जब हम x का y परसेंट मान निकालेंगे तो x मल्टीप्लाई वाई बटे 100 होगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। समझने से मतलब क्या है मेरा, समझने से मतलब ये है कि ये जो x है ये कोई एक मान है, कोई वैल्यू है, कोई संख्या है, उसका y प्रतिशत भाग हमें बताना है। तो ये जो वैल्यू होती है ये अपने आप में 100% होती है, ये वाली जो वैल्यू है जिस वैल्यू का हमसे पूछा है ये अपने आप में 100% होती है, और 100% के अलावा बाकी की जो ये वैल्यू है इस मान का हमें इतना प्रतिशत मान निकालना होता है ये 100%, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन की उसमें बताया था कि कोई की वैल्यू परसेंटेज में मैक्सिमम मान जो है वो 100% होता है, चाहे कोई संख्या हो या किसी व्यक्ति की आय हो या कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में 100% होती है। तो जो x है ये 100% मान होगा, और y परसेंट जो है ये y प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू है। भाई अगर हम y परसेंट का फ्रैक्शन मान बनाएंगे तो y परसेंट का फ्रैक्शन मान, तो मैंने बताया था कि जब किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से भाग दे देते हैं, तो यही तो बनेगा y अपॉन 100। तो मैंने क्या किया है कि जब कभी भी हमें किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत मान निकालना होगा तो उस परसेंटेज के फ्रैक्शन मान का उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने वही तो किया, x मल्टीप्लाई वाई बटे 100। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो उसने पूछा कि बताइए 80 का, उसने हमसे एक पूछा कि 80 का 40% मान क्या होगा, 80 का 40% मान क्या होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 80 मल्टीप्लाई 40% के साइन को हटाकर 100 से भाग दे देंगे, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8×6=32। तो ये 80 का 40% मान जो है वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत निकालते हैं तो उस वैल्यू में उस परसेंटेज के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये जो 40/100 किया है मैंने, क्या किया है, परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से भाग दिया है, और यही चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में बताई थी कि जब कभी भी हमें परसेंटेज के साइन को हटाना होगा तो हमेशा 100 से भाग दे देते हैं। तो वो ये क्या किया है मैंने, 40/100 इस 40% को फ्रैक्शन में ही तो कन्वर्ट किया है और फिर उसका इसमें बस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर आपको फ्रैक्शन आते होंगे तो आप इसमें इस कैलकुलेशन काट के इसको ऐसे करेंगे, सीधा 80 मल्टीप्लाई 40%
40% 20% होता है 1/5। हमने याद किया है कि 20% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/5 होता है, और ये 40% है, इसका दो गुना है, दो गुना है तो फ्रैक्शन भी दो गुना हो जाएगा, तो 80% का 2/5, 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 16 बार, तो देखो कितना आ गया, 16 दूनी 32 आ गया। तो ये जो है ये फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ये इस परसेंटेज का इजिएस्ट मान हम कह सकते हैं, सरलतम रूप है, सरलतम रूप है। भिन्न में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग दे देते हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब मैं ये चीज बता रहा था आपको कि जिस वैल्यू का हमें परसेंटेज पूछा है ये मान अपने आप में 100% होता है, तो उस प्रकार से ये क्या है, उस प्रकार से जो 80 है ना, उस प्रकार से अगर हम बात करें, ये तो हमने दो चीजें देख ली यहाँ पर, फ्रैक्शन से परसेंटेज से, ये जो 80 है ना ये क्या होगा, ये 100% का मान होगा, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 80 के बराबर होगी, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 10% मान जो होगा वो 8 के बराबर होगा, दो जीरो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, हमें कितना निकालना है 40%, तो 40% के लिए 4 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, 4 का इधर करना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, देखो 32 हो गया कि नहीं हो गया, 32 हो गया। तो परसेंटेज में जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% है, उसका हमें वाई परसेंट मान निकालना था, मतलब 40% निकालना था, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, फिर उसका जितना परसेंट पूछा है, यहाँ से 1% का मान निकालने के बाद जितना परसेंट पूछा है उतना परसेंट हम आसानी से निकाल लेंगे, जो हमें 1% का मान पता लग जाएगा, हमसे कुछ भी परसेंट पूछा उसका मल्टीप्लाई करके बाकी पता लग जाएगा। मान के चलो यहाँ पर कितना भी 60% पूछा होता तो मैं यहाँ पर 60 बना लेता, 6 का मल्टीप्लाई कर देता 48 हो जाता, 70% पूछा होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देता 56 हो जाता था। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बहुत ही आसान है, चीज बड़ी आसानी से आपके समझ में आई होगी। तो जब हमें किसी भी वैल्यू का यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एक्स का वाई परसेंट कैलकुलेट करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आसान सा, क्लियर है। देखो इस पर आधारित क्वेश्चन, इस पर आधारित दो चार क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, करने की कोशिश करेंगे इसको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करने की कोशिश करेंगे इसे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 777 का 114.28% क्या होगा, 770 का 114.28% मान क्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पर आधारित जो मैंने पीछे बताया है। तो इस कंसेप्ट में समझने वाली बात क्या है कि जब किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत मान पूछा जाएगा तो उस वैल्यू में उस प्रतिशत के फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो है कंसेप्ट, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमसे पूछा है इसने 777 का 777 का उसने हमसे पूछा है 100.28% मान, ये हमसे पूछा है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ये परसेंट 100% से अबव हो या 100% से नीचे हो लेकिन ये वैल्यू पॉइंट में हो तो कभी भी आपको बटे 100 नहीं करना, ये मैं आपको फ्रैक्शन की वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि हमेशा पॉइंट में पीछे संख्या उसको देखना है कि 1 से 20 तक के किस फ्रैक्शन में आती है। तो 14 से ही 2/7% का मैंने फ्रैक्शन आपको पढ़ाया है, 14 से ही 2/7% इसको पॉइंट में देखेंगे तो ये होता है 14.28%, इसका फ्रैक्शन पता है कितना होता है 1/7 होता है। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100% एक साइड में हो जाएगा प्लस 14.28% अलग हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। इनका फ्रैक्शन कितना होता है 1, इसका कितना होता है 1/7, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/7, इसका मतलब इस वाली ऊपर का जो फ्रैक्शन में मान है वो 8/7 होगा। ये तो मैंने बता चुका हूँ आपको, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये मान बताना है बस, तो उसके लिए मैंने बताया जब किसी भी वैल्यू का कोई परसेंट निकालते हैं तो उस वैल्यू में फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 111 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 888। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट मान हमसे पूछा जाएगा तो उसके लिए हमेशा उस प्रतिशत के फ्रैक्शन मान का उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान कंसेप्ट है। लेकिन ये जब लैंग्वेज में लेंथी क्वेश्चनों में आता है तो स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझा कर चलूंगा, आराम आराम से धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस पढ़ना है बैठ के और कुछ नहीं करना। देखो ये हो गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, देखो भाई आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या होगा, करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने 6000 का 240% मान क्या होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है। सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है 6000 का 240% मान क्या होगा। तो 6000 का 240% किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे भाई? 6000 का 240%, 240/100 परफेक्ट है, तो आप कैसे भी चले जाओ, जब आपको परसेंटेज परफेक्ट में दिया है तो उस केस में आप बटे 100 करके कर लो या फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन जब पॉइंट में दिया होता है तो कभी 100 से डिवाइड करके नहीं करना है आपको। ये मैं आपको पहले भी फ्रैक्शन में समझा चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जरूर देखें ये वीडियो देखने से पहले। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसमें, तो डबल जीरो तो ये हो गया, 6 चौक 24, 4 2, 6 दुनी 12 और 2 14,400, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हम इसको अगर फ्रैक्शन से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई? पहले 240% का फ्रैक्शन मान, 240% को हम ब्रेक कर सकते हैं 200% और प्लस 40% में। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि फ्रैक्शन आपको समझा चुका हूँ, तो ज्यादा आराम से बताने की जरूरत नहीं, वहां मैंने चीजों को बड़े धीरे धीरे आपको समझाया था। 200% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 2 होगा। 40% 20% का 2 गुना है। ये चीज आपके माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए भाई, एग्जाम में आपको फास्ट जाना पड़ेगा। एग्जाम में आप ये नहीं कि इसको परसेंट को ही हटाने में, 100 से डिवाइड करने में ही लगे, वो नहीं करना आपको एग्जाम में। कुछ आपको याद रखने, 40% कितना हो जाएगा भाई? 20% का 2 गुना 2/5, 5 दूनी 10 और 2 तो कितना हो जाएगा भाई? 12/5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा अगर ये निकलना है, तो 6000 में 12/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6000 में 12/5, 5 से कैंसिल कर 12 बार कट जाएगा, तो देखो 14400 आ गया कि नहीं आ गया, 14400 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम है क्वेश्चन में, कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे सेम इसी प्रकार का, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, समझ में आ रही होंगी आपको। अगर ये भी चीजें समझ में नहीं आई तो आपको मैं बहुत बेसिक से पहली वीडियो को देख लें तो समझ में आ जाएंगी। देखो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसमें पूछा है 4960 का 318.75% हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन में, इसमें पूछा है मैं 4960 कोई वैल्यू है, इसका कितना मान बताना है, 318.75% मान क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसका फ्रैक्शन में मान बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बनाएंगे भाई इसको, तो इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, देखो बन गया 300% अलग हो गया। ये वैसे आपको लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़नी चाहिए, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 300% हो गया और ये हो जाएगा कितना, 18.75%, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 300% है, 300% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा, 3 होगा, प्लस 18.75, तो हमें पता है कि 1/16 जो होता है, मैंने याद रखा है, आपको देखा होगा तो आपने जरूर लर्न कर लिया होगा, 1/16 होता है 0.25%, ये इसका 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, 16 3 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51/16, ये किसका फ्रैक्शन हो, इसका फ्रैक्शन हो गया। अब हमें इसका इतना मान निकालना है, बस हो गया, इसका इतना मान निकालेंगे तो 4960 का 51/16 ये निकालना है, 16 से कैंसिल करेंगे, 16 3 48 1 1 ये हो जाएगा, 310 बार कैंसिल हो जाएगा, 310 और मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, तो ये देखो 51 से 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 5 कैरी आ जाएगा, 51 से इसमें करेंगे तो 3 153 और 5 158, तो आंसर आ जाएगा 15,810। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब कभी भी पॉइंट में आपका परसेंटेज आए तो हमें 1 से 20 तक फ्रैक्शन याद रखने हैं, बाकी 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, फ्रैक्शन की वीडियो में आपको मैंने बताया है। और हमने यहाँ पर क्या कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है जब किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत मान निकालेंगे तो हमेशा उस वैल्यू में उसके फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही तो किया है मैंने। मैंने यहाँ फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो फ्रैक्शन में जो नीचे रेशियो होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू का होता है, मेरे कहने का मतलब ये 16 रेशियो है वो 4960 का है, और जो ऊपर है वो इतना प्रतिशत मान है, परसेंटेज मान है, ये भी मैं आपको फ्रैक्शन की वैल्यू भी बता चुका हूँ। तो किसी भी प्रतिशत का फ्रैक्शन मान बनाते हैं तो टोटल और ओरिजिनल वैल्यू नीचे होती है,
ऊपर होता है, रिजल्ट का मतलब इतना प्रतिशत मान जो है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पर 51 जो इस रेशियो का मान है इतना परसेंट, और 16 जो है 100% वैल्यू है। 100% वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू जिस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो किस पर करनी है कैलकुलेशन? 4960 पे। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और इसी कंसेप्ट पर आधारित है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। जो ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें होती हैं उनमें मैं आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करूंगा, 3-4 क्वेश्चन सेफ टाइप के लूंगा, जिससे चीजें आपकी समझ में आए, क्लियरली समझ में आए। और देखो किसी भी चीज को रटना नहीं है। एक्स का वाई परसेंट मैंने आपको निकालना सिखाया, तो आपको एक्स वाई अपॉन 100 नहीं रटना, आपको समझना है कि ये परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, कैसे इनका यूज कर रहे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, टोटल मान क्या होता है, 100% होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग परसेंटेज में किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो 12,000 का 16.66% नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है 12,000 का 216.66%, सेम कंडीशन हमारे सामने वही आ गई। थोड़ा सा और जल्दी चलेंगे, अब फास्ट होते चले जाएंगे धीरे धीरे। 216, ये कैलकुलेशन माइंड में, 200% का फ्रैक्शन कितना होता है 2, और 16/3 का कितना होता है 1/6, इसको करेंगे तो 6 × 2 = 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/6 कितना गया 13/6, वैल्यू कितनी है 12,000, तो इसका 13/6 निकालना है। आंसर करेंगे तो 12,000 रुपये का और 13/6, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2,000, तो 13 × 2 कितना हो गया 26,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो परसेंटेज में पहला कंसेप्ट आज हमने ये समझा कि किसी भी वैल्यू का कुछ प्रतिशत मान निकालने के लिए उस वैल्यू में उस परसेंटेज के फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये है। और जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, उसका कुछ परसेंट हमें निकालना होता है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता है, वो कैसे आता है वो मैं अभी आपको आगे कराऊंगा, एग्जाम वाली प्रैक्टिस आपको बाद में कराऊंगा, पहले आप कंसेप्ट को समझें, ठीक है। तो देखो एक और परसेंटेज में सेकेंड कंसेप्ट कौन सा पूछा जाता है। सेकेंड कंसेप्ट जो आपका आता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखेंगे। सेकेंड कंसेप्ट जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी एक वैल्यू की तुलना किसी दूसरी वैल्यू से की जाती है इस लैंग्वेज में। तो किसकी तुलना की जा रही है? तो उसने कहा एक्स वाई का, तो एक्स की तुलना की जा रही है किससे की जा रही है, वाई से। तो देखो इस कंसेप्ट में क्या करना है आपको, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो जब भी ये दूसरा कंसेप्ट है आज की क्लास का, एक्स जो है वो वाई का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन तो आएगा ऐसे, वहां पर आपको दिख रहा होगा। मैं अपने समझने के लिए इसको ये देखेंगे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये लैंग्वेज आएगी। तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, आप इस लैंग्वेज के पीछे छुपे हुए राज को जाने भाई, तभी आप परसेंटेज को फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। किसी चीज को फील करके पढ़ना है, उसके अंदर क्या है उस चीज को समझना है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन में, चाहे देखो एक टॉपिक में लाखों हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। पब्लिकेशन इतने सारे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं, किसी के ज्यादातर 70-80% सभी का सेम है, कुछ 20% अपनी तरफ से बनाते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन कंसेप्ट को कोई नहीं बदल सकता, जो टॉपिक को आपकी समझ में अगर आ गया होगा अच्छे से, कंसेप्ट उसके तुम्हारे माइंड में भर गए होंगे, तो क्वेश्चन चाहे कोई कितने भी बना ले, लेकिन आपसे वो नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको प्रतिशत को पढ़ना है, क्वेश्चनों को नहीं, बस प्रतिशत को पढ़ना है। प्रतिशत क्या है, इसमें कैलकुलेशंस किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी कैलकुलेशन हमसे पूछी जा सकती है। फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे पास फेल वाला क्वेश्चन हो, चाहे भिन्न से रिलेटेड हो, चाहे कमीशन हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कैलकुलेशन हो सकती है, चाहे लाभ हो, कहीं भी हो। एक्स वाई का कितना परसेंट है, देखो ये है, तो इसको इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का प्रयोग दो जगह किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंट्रीब्यूशन कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन ही किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, एक्स का, और किससे किया जा रहा है, वाई से। तो उसने पूछा जो एक्स है वो वाई के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है, यहाँ पर तुलना हो रही है एक्स की वाई से। तो जब कभी भी ऐसी लैंग्वेज आपसे मतलब क्वेश्चन में देखे, तो वहां पर जिस वैल्यू की तुलना की जा रही है उस वैल्यू को आपको ऊपर रखना है, और जिस वैल्यू से तुलना की जा रही है उस वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है। तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, एक्स की,
और तुलना किससे की जा रही है? वाई से। तो जिसकी तुलना की जा रही है वो ऊपर और जिससे तुलना की जा रही है वो वैल्यू नीचे। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए एक्स अपन वाई, ये बन जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया एक्स अपॉन वाई और मल्टीप्लाई 100। एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। तो ये देखो वही चीज आ रही है रिपीट करके जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब हमें परसेंटेज के साइन को हटाना होगा तो 100 से भाग दे देते हैं और जब परसेंटेज के साइन को लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है क्योंकि हमें जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में लेके आना है। इससे एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर उसने पूछा बताइए 20 60 का कितना प्रतिशत है। ऊपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा तो इंग्लिश वाले भी भाई इस चीज को समझ सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेगा कि 20 इज, एक बार मैं लिख देता हूं, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। मतलब हमें ये बताना है कि जो 20 है वो 60 की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो तुलना किसकी की जा रही है, 20 की जा रही है। किससे की जा रही है, 60 से की जा रही है। तो 20 बटे 60 करेंगे तो 20 से ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/3। लेकिन फ्रैक्शन से हमें आंसर करना है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई क्या, हमें पता है कि 1/3 का जो मान होता है वो 33 से ही 1/3 प्रतिशत होता है। 1 से 20 तक फ्रैक्शन याद रख लेंगे तो भाई कैलकुलेशन जल्दी करने लग जाएंगे आप। फ्रैक्शनों को समझ लेंगे अच्छे से तो कैलकुलेशन जल्दी करने लग जाएंगे, और अगर आप नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशन में देरी होगी और सेलेक्ट होने से रुक जाओगे। ये भी बता रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फास्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्ट जल्दी से जल्दी करते हैं। तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी में आपकी जो है आने के साथ साथ स्पीड भी जरूरी है। तो उस स्पीड के लिए, आने के लिए तो मैं आपको ये क्लास दे ही रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को कंसेप्ट आपके पूरे खोल के रख दूंगा, माइंड के नट बोल्ट पूरे ढीले कर दूंगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस बचेगी उस प्रैक्टिस से आपका जो है स्पीड बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एग्जाम का कोई भी लेवल नहीं है, वो ये जो लेवल बनाए हैं कि इसका टफ आता है ऐसा कुछ नहीं। किसी ये बताओ इस क्वेश्चन पर लिखा है कि ये कहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई भी एग्जामिनर इसको उठा के पूछ सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन पे नाम नहीं लिखा रहता है एग्जाम का, हाँ वो प्रीवियस ईयर में आया होगा तो बस उसका लिखा होगा, तो इसका जरूरी नहीं है कि वो फिर से किसी एग्जाम में ना आए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से कहीं भी आ सकता है। तो आपको बस प्रतिशत को समझना है, क्वेश्चनों पे कम, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्ट किसे कहते हैं। बोलने से केवल कंसेप्ट नहीं हो जाता, कंसेप्ट का मतलब है पीछे छुपा हुआ राज और वो पता होना चाहिए। तो देखो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ये चीज हमने सीखी, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आप, आपके सामने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक चीज आपको डिफरेंट दिख रही होगी कि सर आपने जो पीछे क्वेश्चन कराया कि जो 20 है वो 60 का कितना परसेंट है, वो नंबर है तो नंबर में कंपेरिजन। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब हम कहीं भी ये जो परसेंटेज में जितने भी टॉपिक हैं, हम अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं या परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी दैनिक व्यवहार में यूज होने, दैनिक व्यवहार में यूज होते हैं, तभी हम इन टॉपिकों को स्टडी करते हैं। इनमें जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल ही बनेंगे जो दैनिक व्यवहार में यूज हो रहे होंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कंपैरिजन, हमेशा आपने देखा होगा कि सेम प्रकार की चीजों में ही हो सकता है, मतलब सेम यूनिट में ही हो सकता है। जैसे मान के चलो कभी भी आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा किसी व्यक्ति को कि भाई इसकी लंबाई 5 फीट है, उसका वजन 20 किलोग्राम है, ऐसा कहते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में किया जाता है। अगर मेरा वजन है तो मेरे वजन का ही कंपैरिजन दूसरे से किया जाएगा, न कि लंबाई का, या फिर लंबाई लंबाई में किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समझने वाली बात ये है कि कंपैरिजन हमेशा सबसे पहले सेम यूनिट में किया जाता है, या तो 2 या 3 या 4 व्यक्तियों की लंबाई में कंपैरिजन किया जा रहा होगा, या 2 या 3 या 4 की व्यक्तियों के वजन में कंपैरिजन किया जा रहा होगा, क्षेत्रफल में, आयतन में, सेम प्रकार की चीजों में। ऐसा नहीं होगा कि वजन का कंपैरिजन और लंबाई से कर दिया जाए या क्षेत्रफल से कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। और उसमें भी क्या है, उसमें भी यूनिट,
जैसे टाइम है तो टाइम की यूनिट घंटा मिनट सेकंड ये सारी यूनिट्स होती हैं, तो उसमें भी सेम यूनिट में ही कैलकुलेशन आपको करनी है। तो एसएससी के अंदर या किसी भी एग्जाम में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से नहीं आएगा, जो मैंने पीछे बताया कि 20-60 का कितना परसेंट है, ऐसे नहीं आएगा। हमेशा उसमें यूनिट चेंज करके देता है जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग उसको चेंज करने में लगाना पड़े, और जो विद्यार्थी नहीं जानता होगा वो उसको चेंज नहीं करेगा, सीधी कैलकुलेशन करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 320 सेकंड 4 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये दूसरे कंसेप्ट पर आधारित भाई पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा 320 सेकंड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपका लिखा ही हुआ है उधर, 320 सेकंड 4 घंटे का कितना परसेंट है, ये पूछा है 4 आवर। तो यहाँ पर हमें दिख रही है, हमें यहाँ पर दिख रही है कि भाई जो यूनिट है ये तो टाइम की यूनिट है, ये भी समय की यूनिट है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें सही है, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड है और ये जो है ये घंटा है, और ये हमारा जो है आर है ये सेकंड है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूनिट मैंने बताया है, कैलकुलेशन सेम करनी है। तो मैंने आपको पीछे बताया था किस चीज की तुलना की जा रही है और किससे, तो यहाँ पर 320 सेकंड की तुलना की जा रही है 4 घंटे से, तो 320 सेकंड तो रहेंगे भाई ऊपर, 320 सेकंड जिस वैल्यू की तुलना की जाती है वो वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है, और जिस वैल्यू से तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे, तो 4 घंटे रहेंगे नीचे। अब क्या है, अब यहाँ पर ऊपर सेकंड में नीचे घंटे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, पहले इसको सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट को सेम के पर 320 सेकंड, या तो आप सेकंड को बना लो भाई घंटे में, या घंटे को बना लो सेकंड में। तो बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, और छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं डिवाइड, बात दोनों की सेम ही है। तो 4 घंटे के सेकंड बनाएंगे तो सेकंड बन जाएगा मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 20 आपकी कैंसिल हो गई, आराम से कैंसिल हो गई। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 8 32 80 बार कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये दोनों 9 बार कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 36 है, 4 से कैंसिल करेंगे 20 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/9। 20/9 करेंगे तो 9 2 18 है, 2 सही 2/9% विद्यार्थियों हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 सही 2/9% हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, किसी भी एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से तुलना करना। तो ये इस प्रकार से जब एग्जाम में एसएससी वगैरह में आएगा तो उस केस में हमेशा किसी भी वैल्यू की तुलना दूसरे से की जाएगी, तो यूनिट अलग करके आपको देगा। तो ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 24 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, उसको तो मैं इधर ही कर देता हूँ, दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। 24 मीटर 3 किलोमीटर का डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 24 मीटर तो ये तो मीटर में है, 3 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 हो जाएगा, तो 3000 मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया और ऊपर वाला भी मीटर हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गए, 8 24 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज के बहुत बेसिक हैं, और मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ भाई सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, और धीरे 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 हम सारे टाइप वाइज क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे तरीके से, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चनों का जो है बिल्कुल, जब आपका वो कहते हैं ना कि भाई जब आपका बेसिक क्लियर होता है ना तो आगे क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे। और अब मैं आपका बेसिक क्लियर नहीं कराऊंगा, पहले ही मैं आपको जो है टफ क्वेश्चन कराने लगूंगा, तो आपको लगेगा पता नहीं कितने टफ क्वेश्चन है। तो किसी भी चीज को आसान बनाना और किसी भी चीज को टफ बनाना वो टीचर के हाथ में है, मेंटर के हाथ में है, आपका मार्गदर्शक करने वाला ही आदमी आपको गलत रास्ता दिखाएगा तो आपको चलने में श्योर डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी। लेकिन अगर मार्गदर्शक दिखाने वाला आदमी आपको आसान रास्ता लेके जाएगा, आसान रास्ते से दिखाएगा, और उसे रास्ते पर आने वाली रुकावटों का पता होगा, तो वो आपको आसानी से मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यही अंतर है बस। तो आपको मैं उस तरीके से लेके चलूंगा कि आपकी जितनी भी परेशानियां, मुझे पता है मैंने स्टडी में कौन कौन सी परेशानियां फेस की, तो उन सबको फेस करना मुझे आता है, तो आपको भी बड़ी आसानी से मैं उनसे क्रॉस करके लेके जाऊंगा, आपको बचा के लेके जाऊंगा, और बचा के आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें कराऊंगा। तो यहाँ पर ये है, तो 2 सही 2/9% हो गया भाई, ठीक है। ऐसे देखो ये दोनों क्वेश्चन के अलावा इसी टाइप पर आधारित और 2 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे,
देखो स्क्रीन पे 0.36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.09%, तो ये है। तो देखो यहां पर भी इसी कंसेप्ट पर आधारित दोनों क्वेश्चन है, मैं आपको पहले दो समझा चुका हूं, ये भी बहुत आसान है, बस देखना क्या है, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। मैंने आपको एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई सो, ऐसे फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से, एक्स को ऊपर ही क्यों लिख रहे हैं, वाई को नीचे ही क्यों रख रहे हैं, बस ये चीज आपको समझनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है तो जिस वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है वो ऊपर रहती है और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है। तो यहाँ पर देखें 0.36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.009, 0.36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.009, ये पूछा गया पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया 0.36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.009, तो इसकी तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है, इससे की जा रही है। तो ये वाली वैल्यू तो रहेगी ऊपर 0.36 और ये वाली नीचे रहेगी 0.009 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 40 बार जाएगा, तो कितना आ गया 4000% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे देखो फोर्थ देखेंगे, बहुत बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये दो लैंग्वेज बहुत आती हैं, आगे भी आपको मैं बताऊंगा, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत ही आती हैं, इसलिए बेसिक से चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल 45 डेसीमीटर, यहाँ पर उसने पूछा है बताइए 1 हेक्टोमीटर का कितना परसेंट है, तो इसके लिए देखो आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा मिली, सेंटी, इन सब के पीछे मीटर और है डेसीमीटर, ठीक है, डेका, हेक्टो और किलोमीटर, ये हैं, ये चार सारी चीजों में अगर मीटर को हम एक मान लें, यहां पर मीटर को एक मान लें, तो ऊपर जाने पर तो आएगा माइनस, मतलब 10^-1, 10^-2 और 10^-3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मीटर में 10^-3 जब कभी भी मिलीमीटर में होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 कर देंगे। ऐसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, मान के चलो 10^-2, तो एक मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से भाग दे देंगे। तो यही चीज आपको, जैसे डेसीमीटर है, अगर हमें मीटर से डेसीमीटर में जाना होगा तो 10 पे, हम मीटर से डेसीमीटर में जाना होगा तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10^-1 जब मीटर, तो इसका मतलब ये है कि जो एक मीटर है ये वैल्यूज ऊपर जाने पर माइनस और आगे जाने पर मतलब मल्टीप्लाई 10। एक डेकामीटर में मीटर की बात करें तो 10, हेक्टोमीटर में 100 और किलोमीटर में 1000। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। ऐसे यहाँ पर डेकामीटर में कितने होते हैं, 10। तो ये आपको चीजें, एक डेसीमीटर में 10^-1 मीटर, और ये इसके लिए हमेशा जब कभी भी माइनस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है यूनिट चेंज करने के लिए या डिवाइड करना है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट है नीचे वाली, ये तो बड़ी यूनिट है, नीचे आने पर यूनिट जो है बढ़ रही है, तो बड़ी यूनिट से जब छोटी में जाते हैं तब तो करते हैं मल्टीप्लाई और छोटी से बड़ी में जाते हैं तो करते हैं डिवाइड, मतलब मीटर से डेका में आएंगे तो भाग देंगे और डेका से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ऊपर है सेम रूल, जब हम मीटर से डेसीमीटर में, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो भाग देंगे और छोटी से बड़ी में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे इस प्ले में उसने है 45 डेसीमीटर, 45 डेसीमीटर हमें पूछा है उसने 1 हेक्टोमीटर का, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, लंबाई की यूनिट है, कंपैरिजन किसका होता है 45 डेसीमीटर का, किससे हो रहा है, 1 हेक्टोमीटर से, तो दोनों यूनिटों को सेम कर लेंगे, तो 45 डेसीमीटर को पहले बनाएंगे मीटर में, तो डेसीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10^-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4.5 मीटर हो जाएगा और बटे, और 1 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो बटे हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे ये 1 हेक्टोमीटर है और इसमें 100, तो ये जब कभी भी बड़ी राशि से छोटी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये डेसीमीटर से हम बड़ी में गए तो देखो मैंने भाग दे दिया, और जब मैं हेक्टोमीटर को मीटर में बनाऊंगा तो हम जो है बड़ी से छोटी में जाएंगे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5%। इसका मतलब जो 45 डेसीमीटर है वो हेक्टोमीटर का 4.5% होगा 1 हेक्टोमीटर का, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट आप कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में बड़ी आसानी से आ गया होगा। अब इसके बाद,
अब इसके बाद ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए इनमें से कभी ये अलग यूनिट चेंज करके एसएससी में आ जाते हैं, बाकी बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई बहुत कम पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी जो सीट है उस सीट में आपको परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये 10 क्वेश्चन समझेंगे भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखेंगे ध्यान से पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, x 1/2 का x पे 1/4 का x प्रतिशत मान बराबर दिया है हमें 128 और 128 और ये 5 जीरो के बराबर दिया है, इस वैल्यू के बराबर दिया और इसका मान हमसे पूछा है। तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में अगर इसी चीज को कहेंगे तो कैसे कहेंगे वो मैं बता देता हूँ। x पे 1/2 का x पे 1/4 का x प्रतिशत मान बराबर दिया है 128 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बराबर दिया है। और वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है x का मान क्या हो, ये हमसे पूछा है। तो निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकालेंगे हमने ये पढ़ा है। तो किसी का परसेंट, तो x पे 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई x पे 1/4 मल्टीप्लाई x परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू x बटे 100। अभी पीछे बता चुका हूँ किसी भी परसेंटेज का, कोई भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालने तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं 128 और 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। यहाँ से करेंगे देखो, तो ये जो है आधार सभी के समान है, जब किसी भी वैल्यू पर कोई पावर नहीं लगी है तो उसका मतलब 1 होता है। आधार समान होने पर और घातें अलग अलग होने पर जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा x पे पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 100 को इधर लेके जाएंगे तो 128 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7। 7 कैसे, 2 ये और 5 ये, भाई 5 जीरो इधर है 2 इधर से गई तो 7 हो गई कि नहीं होगी। तो यहाँ से इसको करेंगे तो x LCM लेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगी 128 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7। तो ये देखो 4 और 2 6 और एक कितना हो गया 7, तो x पे पावर 7/4 और ये वैल्यू बराबर होगी 128 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 पे पावर 7 और मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7, ये हो जाएगा। उसके बाद हमेशा जब किसी भी पावर का, जब कभी भी किसी भी पावर को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो रिवर्स हो जाती है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगी 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 पे ये रिवर्स हो जाएगी 4/7, 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 20 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 160,000। क्लियर है, कुछ तो नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको सबसे पहले बताया था उसी पर आधारित है, इतने का इतना और इतने का इतना परसेंट, बस वो वैल्यू उसके बराबर है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इक्वेशन टाइप में आपसे पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। और भी इसमें वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, इसमें और भी आगे तक कितनी भी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, 5 6 7 8 x पे 1/3 x पे 1/7 का 1/2 ऐसे ये कितना भी लंबा जा सकता है, उतना ही क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है। इसलिए मेन चीज क्या है, मेन चीज कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, वो लाखों बनते हैं, उतना नहीं करना हमको भाई, सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टिव चीजें पढ़ती रहती हैं, पढ़नी पड़ती हैं हमको। ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ का हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, अगर मैथ का विशेषज्ञ या टीचर बनना है तो आप भाई पढ़िए। अगर जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको केवल एसएससी में सिलेक्शन लेना है, बैंक में सिलेक्शन लेना है, इनको सिलेक्शन से मतलब है, वो केवल सिलेक्टिव चीजें पढ़ें जो एग्जाम में आता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, पूरी इतनी सारी सब्जेक्ट तो छोड़िए, कोई भी एक सब्जेक्ट पूरी जिंदगी, आदमी जन्म लेके मर जाए तब तक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता, परफेक्ट कोई नहीं होता, कमी हर किसी में होती है। मैं भी आज की डेट में सीख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सीखना है और ऐसे ही चलना है, परफेक्ट बनने के लिए कोशिश में लगे रहना है, लेकिन ये नहीं कहना कि मैं परफेक्ट हूँ, अपनी बाउंड्री नहीं लगानी है, सीखते रहना बस, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसी प्रकार एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन देखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो इसमें पूछा है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें पूछा है उसने
करके बताइए, 160 का 2/5 और 1300 का 0.4% में अंतर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन 2/5 ऑफ 160 एंड 0.4% ऑफ 1300। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, कंसेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ, बस जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बढ़ा के आता है। तो यहाँ पर जो मैंने पीछे बताया, देखो सेम चीजें दो क्वेश्चनों को मिला के एक कर दिया है। उसने कहा है कि एक तो 2/5 ऑफ 160, एक तो ये चीज हो गई, एक हो गई 0.4% ऑफ 1300, दूसरी वैल्यू ये हो गई। बस इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, 2/5 ऑफ 160 निकालेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 2 10 और 32 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 64। 1300 का 0.4% निकालेंगे, ये दूसरी चीज हो गई, तो 1300 का 0.4%, तो 0.4 और बटे कितना आ जाएगा 100, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 13 चौक 52, तो 52 का मतलब 5.2। दोनों का अंतर उसने हमसे पूछा है, बस डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो देखो डिफरेंस कितना हो जाएगा, या आंसर कह सकते हैं भाई, आंसर हो जाएगा 64 - 5.2, इसमें से माइनस करेंगे तो 59 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 58.8। ठीक है भाई, तो ये हो गया 58.8, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.8 इस क्वेश्चन का। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर कितना आएगा 58.8। ये कंसेप्ट मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, उसी पर आधारित थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट को समझिए, सारी चीजें आसान हो जाएगी, कुछ नहीं है अर्थमेटिक में, सेम बस आपकी समझ में परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा, सारे टॉपिक आपको आसान लगेंगे। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो ये तीनों हैं, परसेंटेज एवरेज और रेशियो ये तीनों अगर आपकी समझ में आ गए तो ये समझ लो कि पूरा अर्थमेटिक खत्म हो गया, अर्थमेटिक में कुछ नहीं बचा, फिर बाकी के जो टॉपिक हैं वो सारे इनके एप्लीकेशन हैं, अलग से कुछ नहीं है। अर्थमेटिक को समझना और पढ़ना आज के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक और, तो तीसरे क्वेश्चन में उसने इक्वेशन दिए हैं, तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी, ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी बराबर है बी परसेंट ऑफ सी, ये दिया है हमसे, और फिर उसने दूसरा इक्वेशन दिया है सी पे 4% ऑफ ए बराबर है बी परसेंट ऑफ बी, और यहाँ से ए और बी में रिलेशन हमसे पूछा है। तो देखो पहले में क्या दिया है, पहला इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी बराबर है बी क्यू परसेंट ऑफ सी। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो कुछ नहीं है, ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मान क्या होता है बटे 100 या परसेंट में, दोनों साइड में जब परसेंट हो तो परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट कर देना है आपको, कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देना है, तो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बराबर होगा बी क्यू सी, यही तो होगा। तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, एक पावर उधर जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड बनाएंगे तो सी पे 4% ऑफ ए, सी पे 4% ऑफ ए, क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्वेश्चन में सी पे 4% ऑफ ए वैल्यू बराबर है बी परसेंट ऑफ बी, यही तो है बी परसेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर करेंगे तो देखो परसेंट से परसेंट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी पे 4a की वैल्यू बराबर हो जाएगी बी स्क्वायर के, यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए में और बी में रिलेशन बताना है, तो ए और बी में रिलेशन के लिए सी को हटाना है, तो सी को कैसे हटाया जा सकता है, अगर इक्वेशन फर्स्ट का, जो इक्वेशन फर्स्ट है अगर मैं इसमें 4 पावर लगा दूं तो यहाँ भी सी पे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ भी सी पे पावर 4 है, फिर इससे डिवाइड कर दूं तो सी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा और रिलेशन आ जाएगा, तो सी जो है एंड हो जाएगा और रिलेशन आ जाएगा। देखो इसमें 4 पावर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए पे पावर 8 बराबर, यहाँ 4 पावर लगाएंगे तो बी पे पावर 8 और सी पे पावर 4, यही हो जाएगा, और इसको इससे भाग देना है, इससे भाग देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सी पे पावर 4 और ए, तो देखो सी पे पावर 4 से सी पे पावर 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे पावर 8 और ए पे पावर 1, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 9 और बराबर 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, तो बी पे पावर कितनी हो जाएगी 10, तो ए पे पावर 9 बराबर हो जाएगा बी पे पावर
10 के ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। ऑप्शन में देखेंगे आप तो ऑप्शन में कौन से पे दिया है, सी ऑप्शन, ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए पे पावर 9 बराबर बी पे पावर 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। देखो भाई पहले मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, इसलिए चीजों को समझ के चलें। जो विद्यार्थी ज्यादा ही कमजोर हैं, इतना बेसिक भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो वीडियो को 2-4 बार थोड़ा रिपीट करके देख लेंगे और कॉपी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये जो मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं इसी कंसेप्ट पे, जो मैंने पीछे आपको दो कंसेप्ट बताए हैं, एक कंपैरिजन पे बताया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन कब, जब किसी भी एक वैल्यू को अलग अलग परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आय भी हो सकती है जिसको अलग अलग जगह खर्च किया जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का केस कहते हैं। कंपैरिजन में तुलना एक की किसी दूसरी व्यक्ति से, एक की आय की दूसरी व्यक्ति की आय से, किसी क्षेत्रफल का दूसरे क्षेत्रफल से, ऐसे तुलना हो सकती है, आयतन की आयतन से, सेम यूनिटों में ही तुलना होती है, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो एक और, फोर्थ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी बैंक हर एग्जाम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है 5% ऑफ एक्स बराबर वाई, एक इक्वेशन तो आपको दिया होगा 5% ऑफ एक्स बराबर वाई, ये दिया है। उसके बाद वो कहेगा एक और इक्वेशन है वाई परसेंट ऑफ 20 सेम पूछेगा, तो इसमें आपसे पूछा है कि वाई परसेंट ऑफ 20 ये किस वैल्यू के बराबर होगा नीचे दिए गए ऑप्शनों में। तो ऑप्शन दिए हैं आपको चार, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, आज के बाद आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक इक्वेशन दिया है हमको, वेरिएबल दो, तो एक वेरिएबल को आपको अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना है, लेट कर लेना है। तो जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हो तो उसमें आप एक वैल्यू को अपनी तरफ से लेट भी कर सकते हैं कुछ भी, फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, मान के चलो एक्स को लेट कर लिया, और लेट ऐसा करना है कि उस पर परसेंटेज आसानी से निकल आए। तो एक्स को मैंने मान के चलो 100 लेट कर लिया, अपनी तरफ से लेट कर लिया, तो 100 लेट कर लिया, तो यहाँ से वाई का मान आ सकता है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 100 का 5%, 5% का मतलब 5/100, तो वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो वाई का मान कितना आ गया 5, और एक्स का मान कितना आ गया 100। यहाँ रख के देख लेते हैं, तो यहाँ रख के देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो पहले हम जो हमसे पूछा है उसमें रख के देख लेते हैं, तो 20 का वाई परसेंट, तो 20 का वाई परसेंट, वाई का मान कितना है 5%, तो 5/100, ठीक है ये होगा। तो 20 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से 5 को कैंसिल करेंगे 1 आ गया। तो जिस ऑप्शन से मान 1 आ जाएगा कि ऑप्शन हमारा है, हमें ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन पे दिया है 20% ऑफ एक्स, ए ऑप्शन पे दिया है 20% ऑफ x बाय 2, तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो x का मान कितना है 100, 100 रखेंगे तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, और 50 का 20% 1/5 तो कितना आएगा भाई 10। ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं हो सकता। ऐसे ही बी ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन चेक करेंगे तो बी ऑप्शन है 50% ऑफ x 20, 50% ऑफ x बाय 20, यही तो है। तो 50% ऑफ x बाई 20 करेंगे तो x का मान कितना है 100, 100 रखेंगे तो 100/20 कितना हो जाएगा 5, 50% कितना होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 5/2, ये भी गलत है, क्योंकि कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसे ही सी ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन पे कितना दिया देखो, सी ऑप्शन में 50% ऑफ x बाई 2, 50% ऑफ x बाई 2, तो x का मान कितना है 100, 100 का आधा करेंगे 50, 50 का 50% 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 25। भाई ये ऑप्शन भी गलत है, कोई भी ऑप्शन इनमें से भी सही नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं डी को भी, 20% ऑफ एक्स बाय 20, 20% ऑफ एक्स बाय 20, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 100, 100 यहाँ रखेंगे तो 100/20 कितना हो जाएगा 5, 5 का 20% का मतलब 1/5, 5 से 5 कैंसिल कितना आ गया 1, मैच कर गया भाई, मैच कर गया, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, डी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी भी आए तो स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन
अब इसमें आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से एक वेरिएबल को लेट कर लेना है, और लेट करने के बाद दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेना है, और दूसरे वेरिएबल का मान निकालने के बाद ऑप्शनों में पुट करके देख लेना, जिससे सेम आ जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात? चलें आगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन एक और। आपने इन सभी क्वेश्चनों में जो मैंने अभी तक आपको आए हुए प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं अब करा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक जितने भी कराए हैं इनमें आपने देखा होगा कि सभी में वही कंसेप्ट है जो कंसेप्ट मैंने बताया है। तो ये मैंने क्वेश्चन अपने आप जो है तरीके से मैंने देखे हैं कि इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कौन से आए हैं, फिर बनाए हैं, तब आपको मैं करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। देखो भाई, मुझ पर भरोसा मत करो, मैं नहीं कह रहा कि मेरे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आएंगे या आते हैं। आप अपने आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, देखिए, लगाइए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सर ने कुछ कराया कि नहीं कराया। उससे बाहर कुछ नहीं आता है। जब मैं पूरा मैथ्स खत्म करा दूंगा तो आपको उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं दिखेगा भाई। और रही एक दो क्वेश्चन की बात, तो वो तो आ जाता है, नया आता ही है, 80% तो रिपीट ही होता है, कुछ नहीं आता। ये जो कहते हैं कि रिपीट नहीं होता, मैं चाहे 2018, 19, 20 मेंस कोई भी पेपर 60% में रिपीट दिखा दूंगा भाई, 60% रिपीट आता है, जो पहले आ चुका है वही आता है 60%, तो बाकी का आपको कंप्लीट करना है अपने आप। तो ये चीजें हैं, तो ये फॉर्मेट डेली नहीं बदला करते। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, पांचवा क्वेश्चन के आधार का क्वेश्चन मैं पीछे आपको करा चुका हूँ, आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा काम, आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम के चैनल पर डाल के आप पूछ सकते हैं। और जो मैंने क्लास कराई, अगर इसमें भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई डाउट आपको रहता है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें पूछें कि सर आपने आज ये पढ़ाया था, इस वीडियो में ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा और पूरी तरह से समझ में आएगी चीज़। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। वीडियो डाल दी मैंने, आपने देख ली, उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया या वीडियो में कोई कमी लग रही है, सर आप फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आपको बताना है भाई, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ाया है, ऑनलाइन मेरा नया एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कुछ कमियां मुझ में हो, तो वो कमियां तभी दूर होंगी जब आप बताएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके यूट्यूब पर भी बता सकते हैं और टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, तभी मैं परफेक्ट हो पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन एक और, इसमें पूछा है हमसे 0.08% ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ, ये दिया है 25% ऑफ 24,000 पूछा है, ये वैल्यू हमसे पूछिए। ऑप्शन दिए हैं आपके पास 3.6, 4.2, 2.4 और 6.3, वहां आपको देख रहे होंगे ये ऑप्शन दिए हैं। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है, वैल्यू कितनी है पहले तो 24,000 पर कैलकुलेशन करनी है। ये पहले वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर आधारित है, उसका 25% फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1/4 याद होगा आपको, 50% 1/2। अब मैं भाई डायरेक्ट लिखूँ, अब नहीं बताऊंगा आपको ये 50% से 1/2 कैसे आया, 25% से 1/4 कैसे आया, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देखेंगे तब इसको देखेंगे। 0.08% तो 0.08/100 ये हो जाएगा भाई, नया फ्रैक्शन है पॉइंट में, तो पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, चार दूनी आठ से आठ कैंसिल हो गया, दो जीरो बचे तो कितना आ गया आंसर 2.4। भाई एक जीरो कट जाएगा, देखो जीरो से जीरो, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 2.4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को है वही, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया, 2-3% दे दिए, लेकिन कंसेप्ट तो नहीं बदला, क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन कंसेप्ट नहीं बदला। अब ये क्वेश्चन कितना भी लंबा हो सकता है, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, आगे और ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे 75%, 80%, 30%, ऐसे क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लंबा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। जब किसी भी वैल्यू का कोई परसेंट निकालना है तो उसके फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई करते जाना, चाहे कितनी भी परसेंट आए, क्लियर है? तो वही मैं बार बार फोकस करके बोल रहा हूँ, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जो है कंसेप्ट को समझाने का एक तरीका है, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आते रहते नए बनते रहते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्क्रीन पे आपको दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पे स्क्रीन पे, देखो ये देखो 6 क्वेश्चन है परसेंटेज का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है आपसे,
सिक्स वाले क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है, प्लस 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 करके दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई परसेंट ऑफ, ये दिया है प्लस करके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू बराबर दी है 40 के, यही तो दिया है, यही दिया है, और हमसे पूछा है x प्लस वाई, पूछा क्या है x प्लस वाई अपॉन x परसेंट ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भाई हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्लियरली दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई परसेंट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 40, तो हम ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया था इक्वेशन कितने दिए, एक वेरिएबल कितने एक्स और वाई दो, तो एक तो बेसिक तरीका हो गया आप परसेंटेज निकालिए इसको कैलकुलेट करिए, वो बेसिक तरीका हो गया, उसके अलावा हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं भाई वाई बराबर जीरो, और यहाँ पर भी कंसेप्ट समझेंगे, यहाँ पर भी कंसेप्ट समझेंगे वैल्यू किस प्रकार से पुट करनी है, जब कभी भी कोई भी एक इक्वेशन दिया हो और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको कुछ वेरिएबल्स जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उसको आपको जीरो मान लेना है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एक इक्वेशन है, तो एक को जीरो मान सकते हैं, और जीरो मानने का मतलब मेरा ये नहीं है आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको 10 भी मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने जीरो ही क्यों माना है, मैंने जीरो ही इसलिए माना है कि जीरो मानने पर ये वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और अगर आप और कुछ मानेंगे तो फिर तो इससे बढ़िया है कि आप बेसिक से ही कर लीजिए, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, तो वैल्यू जब भी हम मानते हैं आपने देखा होगा परसेंटेज में भी हमें वैल्यू ऐड करके करते हैं, तो वैल्यू हम ऐसी से ऐड करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम हो, ज्यादा ना जाए, तो ऐसी ही वैल्यू माननी है, तो जीरो मान लिया मैंने वाई को, वाई को जीरो मानेंगे तो देखो वाई कैंसिल वाई कैंसिल वाई कैंसिल y कैंसिल y कैंसिल और y कैंसिल, अब क्या बचा, बस उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे देखो x अपॉन x 1% ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 1% कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, 1% 1/100 होता है, ऐसे यहां पर x बटे 1% ऑफ x स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, और वैल्यू बराबर हो जाएगी 40 के, 100 इधर चला जाएगा तो 2x² बराबर हो जाएगा 4000 के, तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा भाई 2000 के, ठीक है, अब जो पूछा है उसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x से x कट जाएगा 1%, तो 1% करेंगे तो 2 अपॉन 1% कितना हो गया 100 और मल्टीप्लाई x² x² का मान कितना है 2000, यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर पुट करें बटे ये हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 2000, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1000, और ये 10 पे पावर 5 ऊपर लेके जाएंगे 10 पे पावर -5, भाई देखो नीचे 10 पे पावर 5 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10 पे पावर -5, ऑप्शन कौन सा है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इस प्रकार से जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ज़्यादा वेरिएबल हो और इक्वेशन वन हो तो उसमें से एक वेरिएबल को हमेशा आपको जीरो मान लेना, जीरो मानने का मतलब कैलकुलेशन को आसान करना, वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 10 पे पावर -5, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, बड़े आराम से चीजों को समझेंगे आप, इन कंसेप्ट को मैं पीछे बता चुका हूं, इसलिए इनको ये केवल प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूं, अगर विद्यार्थियों को वैसे तो समझ में आना चाहिए भाई बेसिक चीज़ें हैं, इतनी बेसिक चीज़ों को भी आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा धीरे चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा धीरे चलना पड़ेगा, तो आपको पढ़ने में जो है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आती तो बीटी रिपोर्ट करके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है भाई, देखो ऑफलाइन में ज़्यादा धीरे इसलिए पढ़ाया जाता है कि वहाँ ऑप्शन नहीं होता स्टूडेंट के पास, यहाँ आपके पास ऑप्शन है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा में देखिए, दोबारा में नहीं तो उसको स्लो करके देखिए आराम से समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 7 क्वेश्चन, एक और
सेवंथ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो मैंने पीछे आपको बताया, 2% ऑफ एक्स बराबर वाई। इक्वेशन दिए है, इक्वेशन दिया है 2% ऑफ एक्स और बराबर किसके दिया है, वाई के। 2% ऑफ एक्स बराबर किसके दिया है भाई, वाई के बराबर दिया है। देन वाई परसेंट ऑफ 10, अभी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया और ये पूछा है वाई परसेंट ऑफ 10 ये किसके समान है, ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया आपको थोड़ी देर पहले। फिर एक और क्वेश्चन करा देता हूँ सेम उसी प्रकार का है, वाई परसेंट ऑफ 10। तो अपनी तरफ से मान लेंगे तो x को मान लेता हूँ 100, 100 पर परसेंटेज निकालना आसान रहता है, 100 मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 100 का 20%, तो 20/100, 100 से 100 कैंसिल तो y का मान कितना हो गया, 20 आ गया, y का मान आ गया 20, x का मान 100 यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे तो 10 का वाई परसेंट कितना होता है 20/100, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन से 2 आ जाएगा वही आंसर सही है। तो देखो ए ऑप्शन को देखेंगे, ए ऑप्शन पे क्या दिया है, ए ऑप्शन पे दिया है 2% ऑफ एक्स, एक्स कितना है 100 भाई, 2% ऑफ एक्स दिया है, तो एक्स 100 है तो 100 का 2% कितना हो जाएगा, तो 100 का कितना भी प्रतिशत निकालें वो उतना ही आता है, 100 का 2% 2 ही आएगा, 100 का 3% 3 ही आएगा, x परसेंट x ही आएगा, 100 का कितना भी परसेंट निकालें वो उतना ही आता है। तो देखो ऑप्शन 2 इससे भी 2 आ रहा है और ए से भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे वाले ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बी भी चेक कर सकते हैं, बाकी चेक करके देता हूँ आपको, बी पे दिया है 20% ऑफ एक्स वाई, 20% ऑफ एक्स वाई 100, एक्स का मान कितना है 100, 100 से 100 1 का 20% कितना हो जाएगा 1/5, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने x को 100 माना है, y परसेंट ऑफ 10 उसने पूछा है किस ऑप्शन के बराबर होगा, किस ऑप्शन के समान होगा, और ये जो है ये मैंने 100 को यहाँ पर रखा तो x का 2% निकाला, तो x का 2% 20% नहीं भाई, यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो गई है, 2%, तो 2% के लिए कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर x का 2% निकालेंगे तो x 100 है तो उसका 2% y का मान 2 आएगा, और y का मान जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखने पर ये आएगा भाई 1/5, क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई है, तो 10 से 10 तो ये कितना होगा भाई 1/5, 1/5 किस ऑप्शन से आ रहा है, बी से, तो ऑप्शन नहीं आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन से तो 2 आ रहा है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन कितना हो जाएगा 1/5, बाकी सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा यही आ गया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपनी तरफ से एक वैल्यू को लेट कर लेना है, दूसरी वैल्यू का मान निकाल लेना है, उसके बाद इसमें पुट करके यहाँ से मान निकाल के और ऑप्शन में वैल्यूज को चेक करके देखना है, जिससे सेम हो जाता है वही आंसर सही है, क्लियर है। लिखो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, लिखो नहीं, ऑफलाइन की आदत है थोड़ी सी, ऑफलाइन में तो क्वेश्चन पहले लिखाया जाता है फिर कराया जाता है, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यूट्यूब पे, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चनों का, बस यहाँ पे समझने पे ध्यान दें, लैंग्वेज पे ध्यान दें, कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दें, क्वेश्चन तो आपके पास भाई क्वेश्चनों की कमी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स की पीडीएफ पड़ी है, उसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी को भी लगाइए, किसी को भी लगाइए, उसमें से डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पर आराम से पूछ सकते हैं, बस करिए आप, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस ही समाधान है मैथ्स का भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट हो जाओगे, उतनी ही आपके एग्जाम के नज़दीक चलते चले जाओगे, मैथ में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, और अगर आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो क्वेश्चन तो कर पाएंगे लेकिन स्पीड नहीं आ पाएगी, और स्पीड बहुत ज़रूरी है। देखो 8th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 8th क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन में 10% ऑफ 233% ऑफ ऐसे करके दिया है, तो देखो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी पीछे मैं आपको कई करा चुका हूँ, अब तो आपको कर लेनी चाहिए, देखो कोशिश करेंगे, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कोशिश करें जल्दी से फास्ट करने की कोशिश करें भाई, करने की कोशिश करें, 233.33% ऑफ 0.00833% ऑफ 3/7 ऑफ x/8 और ये वैल्यू बराबर दी है उसने, ये वैल्यू बराबर दी है 1800 की, और हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है, x का मान क्या होगा, ये पूछा हमसे x का मान क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, वही है सेम कुछ नहीं है, x³/8 का तो मल्टीप्लाई,
कितना भाग, 3/7, तो 3/7 मल्टीप्लाई ये हो गया 0.00833%। तो हमने देखो, हमने पढ़ा है कि 8.33% को मैं कह सकता हूँ 8/1/3%, ये कह सकता हूँ। और ये वैल्यू कितने का होता है, ये फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये फ्रैक्शन होता है हमारा 1/12 का, 1/12 का याद रखनी पड़ेंगे भाई फ्रैक्शन आपको, 1 से लेके 20 तक फ्रैक्शन याद रखने पड़ेंगे। तो 8/1/3 1/12 का होता है। तो देखो 8.33% आ रहा है, लेकिन भाई 8.33% में पॉइंट आगे लगा है, तो पॉइंट को इधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 8.33% बनाऊंगा, 8.33% बनाऊंगा, तो नीचे 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 3 अंक पॉइंट को इधर खिसकाना पड़ेगा, और 8.33% का फ्रैक्शन क्या है, 1/12, तो यही हो जाएगा मल्टीप्लाई 233.33%। तो 200% का कितना हो गया 2, 33 से 1/3% का कितना, 1/3। अब फ्रैक्शन आपका माइंड में बनना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिखा चुका हूँ, उसके अलावा इतने सारे क्वेश्चनों में बना के दिखा चुका हूँ, अब नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। 200% का 2, 33 से 1/3 का 1/3, 6 और 1 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 10% कितना होता है 1/10, और वैल्यू कितने के बराबर दी है 1800 के। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे आगे, तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x³/8 मल्टीप्लाई, ऊपर कुछ बचा नहीं है, 1/12 मल्टीप्लाई 10^4, क्योंकि 3 ये और ये, और वैल्यू कितने के बराबर है भाई 1800 के। सबको उधर लेके जाओ, सबको उधर लेके जाओ, तो x³ का मान बराबर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 12, और 10^4 और 2 कितना हो गया 10^6 और मल्टीप्लाई 8, यही तो हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट इधर चला जाएगा, x = क्यूब रूट आ जाएगा इधर। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई, क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट में से 10^6 में से कितना बाहर आ जाएगा, 10^2 बाहर आ जाएगा, 8 से कितना बाहर आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचा 12 और 18, तो 18 × 36 216 कितने का क्यूब होता है 6 का, 6 × 12 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 कौन सा ऑप्शन है, 1200 ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है अभी मैंने पीछे बताया था उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो जब कभी भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालते हैं तो उसके फ्रैक्शन मान का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी कंसेप्ट पर है पहले वाले पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और 9th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पीछे जो मैंने कंसेप्ट कराए हैं उन्हीं पर आधारित हैं, कोई भी अलग नहीं है भाई, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। कंसेप्ट समझा चुका हूं तो क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, नहीं है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर 9, 137.5% ऑफ 2x + 2y, 137.5% ऑफ 2x + 2y, और ये वैल्यू उसने बराबर दी है, ये वैल्यू बराबर दी है 122.22%। क्वेश्चन देखो, आपको वहां पर दिख रहा होगा 9x - 9y, ये वैल्यू इसके बराबर दी है। और हमें पूछा है उसने 2x, पूछा क्या है, ये देखो इधर देख लेंगे 2x + 3y / ये पूछा है x - y क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये x और y का मान पहले पता होना चाहिए, तो यहाँ से पहले इसको इक्वेशन को देखते हैं। तो 137.5%, तो इस परसेंट का फ्रैक्शन मान निकालेंगे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको देखो मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ, 100% + 37.5%, ठीक है। तो ये 12.5 कितना होता है 1/8, ये उसका 3 गुना है, तो 3/8 और 101, तो ये कितना हो गया 11/8 हो गया, और ये हो जाएगा 2x + 2y, ये वाली वैल्यू बराबर है। इसको देखेंगे तो 100% 11% कितना होता है, तो ये हो गया 1/9 होता है, ये उसका 2 गुना है, तो 2/9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/9, और 9x - 9y, ठीक है, 9 9 9 कैंसिल हो गया, 11 11 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो इधर तो बचा बस x + y, 4 इधर जाएगा तो 4x - 4y, x को इधर y को इधर, तो 4x और y 5y हो गया, इसको लेके जाएंगे तो 3x हो गया,
एक्स का मान 5, वाई का मान 3, तो एक्स रेशियो वाई बराबर हो जाएगा 5:3। बस ये यहाँ रख देंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो एक्स का मान कितना है 5, तो 5 यहाँ रखेंगे तो 5 × 2 = 10, प्लस वाई का मान कितना है 3, तो 3 को यहाँ रख देंगे तो 3 × 3 कितना हो गया 9, और एक्स माइनस वाई 2, तो ये हो जाएगा 19/2, 19/2 करेंगे तो 2 × 9 = 18 और 9.5, आंसर कितना हो जाएगा 9.5। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही है। ऑफ ऑफ का मतलब परसेंटेज, हमें इस वैल्यू का ये परसेंट निकालना है, तो ये वैल्यू का ये परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसके प्रतिशत मान के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर सेम जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें कई तो एक एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी होगी। आज के कंसेप्ट में कोई भी परेशानी आपको नहीं आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, उसको और देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको करने की कोशिश करेंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 10th क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे फास्ट। देखो इतने टाइम का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम का नहीं है। x परसेंट ऑफ x प्लस y परसेंट ऑफ y, तो x परसेंट ऑफ x प्लस y परसेंट ऑफ y, ये वैल्यू बराबर है 2% ऑफ एक्स वाई, 2% ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो उसने पूछा है कि बताइए 3/2x का कितना परसेंट है। ठीक है, तो पहले x और y निकाल लेते, फिर बता देंगे 3/2x का कितना परसेंट है। तो x परसेंट ऑफ x, तो x का x प्रतिशत, यही तो होगा, प्लस x में x परसेंट के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, y का y परसेंट, यही तो होगा 2% ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई 2/100, यही तो होगा। दोनों साइड में 100 100 100 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इधर हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर, वही हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, यहाँ से निकल के आ गया एक्स बराबर वाई, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3y इज व्हाट परसेंट ऑफ 2x, 3y की तुलना की जा रही है 2x से, जिसकी तुलना की जाती है वो मान ऊपर, जिससे की जाती है वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100। एक्स वाई दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 50 × 50 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 150%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 150%, कौन से ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक टाइप से हमसे SSC बैंक रेलवे कम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज हमने परसेंटेज का सबसे पहला बहुत ही बेसिक टाइप डिस्कस किया, जिसमें मैंने पहले बड़ा धीरे धीरे आपको परसेंटेज के जो दोनों कंसेप्ट हैं वो समझाए, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन भी आप 10 क्वेश्चन कराए, बाकी इसके अलावा इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपको सीट में मिलेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम के चैनल पर मुझसे पूछेंगे, मैं वहां बताऊंगा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछते रहें, लेकिन पढ़ते रहें और चीज़ों को कंप्लीट करते रहें। ठीक है, तो यहां से आगे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।